तो दोस्तों जो सेकंड हैंड कार मार्केट है ना, इस टाइम पे वो इतनी बड़ी हो चुकी है कि जो अब डेली के डेली जो नई गाड़ियां बिक रही है ना, ब्रांड न्यू, उससे ज्यादा डेली जो है वो सेकंड हैंड कार्स बिकती है। और जैसे जैसे मार्केट बड़ी होती जा रही है, फ्रॉड और स्कैम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और रिसेंटली जो है ना, इतना बड़ा स्कैम हो रहा है सेकेंड हैंड कार मार्केट में कि आप कार खरीदने जाते हैं, आपको कार मिल जाती है सस्ती, ब्रांड न्यू कंडीशन टाइप होती है और सस्ती आपको मिल रही है। फेसबुक पे आप देख रहे हैं कि डीलर्स एड पे एड करे जा रहे हैं कि आओ हमसे लो 2020 मॉडल, 2019 मॉडल, BMW लो, ऑडी लो, या कोई भी गाड़ी, ब्रांडेड से ब्रांडेड गाड़ी लो अच्छी कंडीशन में, बट उसके प्राइस कम होंगे। तो इतना तगड़ा स्कैम चल रहा है उसमें। आज मैं आपको उसी स्कैम के बारे में बताने जा रहा हूँ और उस स्कैम से आप कैसे बच सकते हैं वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड अभिषेक एंड यू आर वाचिंग मुंडा टॉप नॉच। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो गाइस, आपको पता है हर कोई बंदा जो है वो नई गाड़ी लेना अफोर्ड नहीं कर सकता। मतलब हर किसी का बजट कंस्ट्रेंट होता है अपने बजट के हिसाब से। जिनको जो अफोर्ड कर सकते हैं वो नई गाड़ी लेते हैं, जो नहीं कर सकते हैं वो सेकंड हैंड लेते हैं। तो सेकंड हैंड की मार्केट, जैसे मैंने बताया, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और जब भी हम सेकंड हैंड गाड़ी लेने की सोचते हैं तो सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि गाड़ी की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, गाड़ी जो है वियर एंड टियर उसमें कम होना चाहिए, देखने में नई लगनी चाहिए, चलने में अच्छी होनी चाहिए। बस यही हम एक क्राइटेरिया मान के रखते हैं। और यार रिसेंटली ना एक इतना बड़ा स्कैम निकल के आया है कि आपको गाड़ी मिल जाती है अच्छी कंडीशन में, ब्रांड न्यू टाइप होती है, मैं बोलूंगा मतलब ज्यादा पुरानी भी नहीं, एक साल, दो साल या तीन साल पुरानी होगी, लेकिन आपको थोड़े से चीप प्राइस में मिल जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है आपको पता है? बहुत बड़ा स्कैम खेला जा रहा है। रिसेंटली ये सर्फेस हुआ है कि एक एक दो केस ऐसे आए हैं कि आपने गाड़ी खरीदी है सेकेंड हैंड अच्छी कंडीशन में, फॉर सम रीजन वो आपकी गई मैकेनिक शॉप पे, और जब आपकी मैकेनिक शॉप पे गई तो मैकेनिक ने बताया कि आपकी गाड़ी में से एयर बैग्स मिसिंग है। और एयर बैग्स जो है ना बहुत ही कॉस्टली कंपोनेंट होता है। नंबर एक, ये तो आपकी सेफ्टी से खिलवाड़ हुआ कि एयर बैग मिसिंग है, आपको लग रहा है कि आपने बहुत ही सेफ एंड साउंड गाड़ी खरीदी है। दूसरा, एयर बैग मिसिंग होने की वजह से बहुत बड़ा आपके साथ खिलवाड़ किया गया पैसों को लेके, क्योंकि इतना मोटा कॉस्टली कंपोनेंट जो निकाल दिया गया, इस वजह से आपको गाड़ी सस्ती मिल गई। और ये एयर बैग मिसिंग होने के ना दो बहुत बड़े रीजन है। नंबर एक, तो आपकी जो गाड़ी जो है ना वो एक्सीडेंटल है, उसमें एयर बैग जो है पहले से ही डिप्लॉय हो चुके हैं सारे, लेकिन जब वो रिपेयर करी गई तो उसमें एयर बैग जो है दोबारा से रीइंस्टॉल नहीं करे गए। और आप सोचो, अगर आप जो गाड़ी ले रहे हैं अगर वो ज्यादा एयर बैग्स वाली है, दो से ज्यादा, क्योंकि आजकल गाड़ियों में चार एयर बैग्स भी आते हैं, छह एयर बैग्स भी आते हैं, तो अगर वो दो से ज्यादा है तो सोच रहे हो कितना कितना बड़ा धोखा हुआ है आपके साथ, छह के छह एयर बैग्स गायब है, चार के चार एयर बैग्स गायब है। तो ये तो हो गया नंबर वन रीजन। नंबर टू जो है, अगेन कोई भी जो ये जिनसे भी आप खरीद रहे हैं उन्होंने आपके साथ करी है धोखाधड़ी, एयर बैग को कार में से निकाल दिया गया है जान के, ताकि उसको बाद में किसी और गाड़ी में लगा दें या उसको रीसेल कर दें, बट आपके साथ धोखा कर दिया गया। और यार ये कि ऐसा एस्पेक्ट है कि गाड़ी लेते हुए टाइम हम में से कोई भी इस बारे में सोचता भी नहीं है, कभी भी हम चेक नहीं करते हैं कि गाड़ी में एयरबैग प्रेजेंट है कि नहीं है। हम सिर्फ गाड़ी की कंडीशन चेक करते हैं, इंजन चेक करवा लेते हैं किसी एक्सटर्नल मैकेनिक से, भैया कि इंजन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई है, और गाड़ी का नॉर्मल वियर एंड टीयर देख लेते हैं, पेंट क्वालिटी देख लेते हैं, दैट्स इट। कभी भी हम गाड़ी का जो मेन सेफ्टी एस्पेक्ट है एयरबैग्स, उसके बारे में ध्यान ही नहीं देते हैं। तो चलो अब मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो आपको इस धोखाधड़ी से कैसे आप बच सकते हैं और वो क्या क्या की पॉइंटर्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो चलो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ड्राइवर साइड डिस्प्ले कार का, मैं अपनी कार का दिखा रहा हूँ, बट आप कोई भी गाड़ी खरीदने जा रहे हैं आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले जब भी आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपकी ये डिस्प्ले यूनिट है इस पर फिंगरप्रिंट के स्क्रैचेज, मतलब फिंगरप्रिंट्स के निशान तो नहीं आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब आप अपनी टॉर्च को जला के देखें, मतलब ये आपको बहुत ही अच्छे से चेक करना है। कहीं भी डिस्प्ले पे अगर आपको फिंगरप्रिंट्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इक्का दुक्का आपको नॉर्मली दिख जाते हैं हाथ लगते रहे, लेकिन आपको कॉर्नर्स पे, स्पेशली कॉर्नर्स पे आपको ज़्यादा फिंगरप्रिंट के स्मजेस दिखाई दे रहे हैं, तो आप एकदम से चौकन्ना हो जाएं। इसका मतलब जो ये डिस्प्ले जो है ओपन किया गया और पॉसिबली किसी सेंसर लाइट के साथ छेड़छाड़ करी गई है। तो जब भी आपको दिख रहे हैं इमीजिएटली आपको सतर्क हो जाना है। ये है हमारा पॉइंट नंबर वन जिस पे हमें ध्यान देना है। चलो अब दूसरा पॉइंट बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। तो अभी मैंने गाड़ी का जो है इग्निशन ऑन नहीं करा हुआ, बट स्टिल
आप ये देख पा रहे हैं कुछ है कि आपको शेडो सी दिखाई दे रही है, ये सारी जो हमारी सेंसर्स की लाइट्स हैं, जब भी आप गाड़ी ऑन करेंगे तो इनमें से कुछ कंपोनेंट्स में लाइट जल जाएंगी, इल्यूमिनेट करेंगी। बट मैं आपको अभी एक चीज दिखाता हूँ, आप इस पे ध्यान दीजिए, ये जो दिख रही है एक शेडो जिसमें आपको एक पर्सन बना हुआ दिख रहा है और साथ में पीछे एक बच्चा सा दिखाई दे रहा है, दिस वन, ये जो है ना ये लाइट होती है आपकी एयरबैग्स की, ये सिग्निफाई करती है एयरबैग्स की, ये एक स्टैंडर्ड लाइट है हर गाड़ी में, हर गाड़ी में ये यही सिंबल आपको दिखाई देगा। जब भी आपकी गाड़ी में कोई भी फॉल्ट होगा एयरबैग से रिलेटेड तो ये लाइट जो है ब्लिंक करेगी या रेड हो जाएगी, इल्यूमिनेट रहेगी हमेशा ही। तो इसको आपको बहुत ध्यान रखना है जब भी आप सेकेंड हैंड गाड़ी लेने जा रहे हैं। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, गाड़ी का ना मैं इग्निशन ऑन करता हूँ, मतलब गाड़ी स्टार्ट नहीं करता हूँ, जस्ट उसको एक बैटरी पावर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये लाइट जो है एकदम से जलेगी और फिर उसके बाद इमीडिएटली बंद हो जाएगी। देखना, ये मैंने दिया इग्निशन, देखो ये सारी लाइट जली, जितने भी सेंसर्स की हैं, साथ में एयरबैग्स वाली भी जली, बट साथ के साथ बंद हो गई। तो इसका क्या मतलब है बंद होने का, कि जब भी आपने गाड़ी को बैटरी की पावर दी तो ये बताता है, ये सारे कंपोनेंट्स चेक करता है कि सारे सेंसर जो है आपके गाड़ी में वो सही से वर्क कर रहे हैं कि नहीं, और वो सही वर्क कर रहे होते हैं तो इमीडिएटली वो बंद हो जाते हैं। तो इसी तरह से ही ये सिग्निफाई कर रहा है कि गाड़ी में एयरबैग्स प्रेजेंट है और एयरबैग सेंसर जो है उन एयरबैग्स को डिटेक्ट कर चुका है। अब मैं काम करता हूँ, गाड़ी को करता हूँ स्टार्ट, ठीक है, गाड़ी करते हैं स्टार्ट। देखो गाड़ी हो गई है स्टार्ट, लेकिन वो जो लाइट जो है अभी भी बंद ही है, देख रहे हो। इससे इसका मतलब ये है कि मेरी गाड़ी में जो एयर बैग जो है वो प्रेजेंट है, सही से वर्क कर रहे हैं, और जो उनका सेंसर्स है, जो एयर बैग का सेंसर है वो भी सही वर्क कर रहा है, उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया गया है। तो यहां पर अब आपको किस चीज का ध्यान रखना है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है वो यही रखना है कि जैसे आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं इसमें लाइट आनी चाहिए और इमीडिएटली बंद हो जानी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट मार्कर है टू सिग्निफाई कि आपका एयरबैग सिस्टम जो है वो सही वर्क कर रहा है। अगर एक भी एयरबैग के साथ छेड़छाड़ हुई होगी तो ये लाइट जो है ब्लिंकिंग मोड में रहेगी, गाड़ी स्टार्ट होने के बाद भी ब्लिंक करती रहेगी। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, अगर ये लाइट जली ही नहीं, आपने गाड़ी में इग्निशन ऑन किया लेकिन इसमें लाइट कोई आई ही नहीं, तो आप समझ जाओ 100% श्योर समझ जाओ कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है। इस लाइट एयरबैग जो है वो गायब है आपकी गाड़ी में से, और इस लाइट को जो है ब्रेक कर दिया गया है, वो तोड़ दिया गया है ताकि वो यहाँ पर वो डिस्प्ले दिखाई ना, ड्राइवर को पता ही ना लगे कि भाई इस लाइट के बारे में कि कभी वो ब्लिंक करेगी। और यहीं पे सबसे बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है, जो मैंने सबसे पहला पॉइंट बोला था कि आपको फिंगरप्रिंट्स चेक करने हैं, वो इसी से ही लिंक्ड है। जब भी आपकी एयरबैग से छेड़छाड़ करी जाती है तो दूसरा काम क्या किया जाता है एयरबैग निकालने के बाद, कि इसकी जो पीछे लाइट होती है सेंसर्स की उसको कर दिया जाता है ब्रेक, या उसकी वायर को कर दिया जाता है कट, ताकि कभी भी इसमें लाइट आए ना। और एक ऐसी चीज है यार, 99% लोग इस पे ध्यान कभी भी नहीं देंगे। तो चलो बात करते हैं अगले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की, किस तरह से आप सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते टाइम होने वाली धोखाधड़ी से बच सकते हैं। तो ये छोटा सा डिवाइस देख रहे हैं यार, ये आपके पास होना बहुत जरूरी है, ये है OBD2 पोर्ट स्कैनर। मैंने इसके रिगार्डिंग पूरी एक डिटेल में पहले वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे जरूर चेकआउट कर लेना। बट ये छोटा डिवाइस और मात्र 300 से 350 रुपए का आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। और ये जो है ना, आप समझ लो आपकी गाड़ी का डॉक्टर है, ये पूरी गाड़ी में कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी, फॉल्ट होगी, आपको इमीडिएटली बता देगा। तो आपको करना क्या है, जब भी आप सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, इस डिवाइस को आपको लगाना है कार की OBD2 पोर्ट, जो स्टैंडर्ड पोर्ट होती है उसमें, और उसके बाद मोबाइल में अपने ऐप डाल लेनी है, टॉर्क या कार स्कैनर या और भी बहुत सारी ऐप्स आते हैं, कोई भी वो ऐप डाल लेना, और कार को हम करेंगे स्कैन टू चेक कि क्या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो चलो मैं आपको झट से करके भी दिखाता हूँ कि इसको कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले मैं इस डिवाइस को यहाँ पर जो OBD2 पोर्ट है मेरी गाड़ी की उसमें इसको फिक्स करते हैं। ये देखो ये पोर्ट है और ये जाके फिक्स हो गई यहाँ पर, देख रहे हो। तो OBD पोर्ट स्कैनर लगाने के बाद आपको गाड़ी को करना है स्टार्ट। तो गाड़ी हो गई हमारी स्टार्ट, और अब आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल पे वो ऐप खोल लेनी है OBD2 पोर्ट स्कैनर की, कोई भी ऐप, चाहे आप टॉर्क खोलो, कार स्कैनर खोलो या कोई भी खोलो। तो मैं इस टाइम पे आपको मोबाइल पे नहीं दिखा रहा हूँ, अपने जो एंड्रॉयड मैंने सिस्टम लगाया हुआ इस पे दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने इस पे इंस्टॉल कर रखी है। तो क्विकली चलते हैं ऐप की ओर। तो मैं एग्जांपल लूंगा टॉर्क का, बट आप जो है अदर एप्स भी यूज़ कर सकते हैं, कार स्कैनर भी जैसे मैंने इंस्टॉल करी हुआ इसको भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो टॉर्क इसको ओपन करते हैं, तो अब ये कनेक्ट करेगा, देख रहे हो ब्लिंक कर रही है, आपकी OBD2 पोर्ट स्कैनर से कनेक्ट कर रही है ये ऐप, ये ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करती है।
तो लो कनेक्ट हो गया, आप देख रहे हो अभी पूरा डेटा आना शुरू हो गया, आरपीएम दिखा रहा है गाड़ी के। तो इसमें ऑप्शन दिख रही है फॉल्ट कोड्स, हम करेंगे इस पर क्लिक और करेंगे स्कैन। तो जब भी आप गाड़ी ले रहे हैं गाड़ी को स्टार्ट करना है और इसको स्कैन कर देना है। अब ये गाड़ी में जितने भी तमाम सेंसर्स हैं सबको स्कैन करेगा, मतलब गाड़ी का पूरा हेल्थ चेक करेगा और बताएगा कि क्या गाड़ी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो देखो ये पूरा इस तरह से स्कैन कर रहा है। अगर हमारी गाड़ी में एयर बैग में प्रॉब्लम होगी तो जैसे देख रहे हो अब ये रेड दिख रहे हैं, ये उसी तरह से ही यहाँ पर वो एयर बैग्स की प्रॉब्लम आपको बता देगा कि यहाँ पर ये सेंसर वर्क नहीं कर रहा या एयर बैग जो है वो मिसिंग है। तो अभी जो आप ये तीन ऑप्शन देख रहे हैं दिस इज जस्ट बिकॉज कि गाड़ी में लो फ्यूल है, लिखा हुआ भी आ रहा है देखो लो फ्यूल है, उसकी वजह से गाड़ी में थोड़ी सी मिसफायरिंग हो रही है। बट आपको इस एरिया को अच्छे से मॉनिटर करना है, गाड़ी में जो भी तमाम प्रॉब्लम है आप वो इजिली देख पाएंगे। चलो अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। जब भी यार आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं सेकेंड हैंड, अवॉइड करना कि यार जो बाहर लोकल मैकेनिक शॉप्स होती हैं उनके थ्रू लेना अवॉइड करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा यार स्कैम और फ्रॉड जो है ना उन्हीं के थ्रू ही किए जाते हैं। अगर आप मैकेनिक को जानते हैं, आपका नोन है, देन इट्स फाइन, बट अदरवाइज आप अवॉइड करो। और यार आजकल इतनी ज़्यादा अदर कंपनीज आ गई हैं जो कि सेकेंड हैंड कार्स में डील करती हैं, जैसे स्पिनी से जो एक्सपीरियंस है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ स्पिनी से मैंने, क्योंकि एक सेकंड हैंड कार परचेज करी थी, अगर आपको ध्यान हो रेनो क्विड अपनी वाइफ के लिए ऑटो एएमटी में, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और सबसे ज़्यादा फायदा इनके थ्रू ये होता है लेने से कि आपको गाड़ी की ना वारंटी, एक साल की वारंटी भी दी जाती है, तो थोड़ा सा आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। हाँ थोड़ी सी कॉस्टली ज़रूर पड़ती है, बट अगेन आप पीस ऑफ माइंड तो होता ही है। अगर आप स्पिनी पे नहीं जा रहे हैं तो अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल है, बट आइडिया ये है कि जब जहाँ से भी आप सेकंड हैंड गाड़ी ले रहे हैं या तो वो आपका नोन होना चाहिए या किसी एक रिनाउंड कंपनी के थ्रू ही आप ले रहे हैं। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को दे देना थम्स अप, शेयर कर देना अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली से, और अगर चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। यार चैनल को सब्सक्राइब आप कर लोगे तो आने वाला अच्छा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट जो है आप तक इजीली पहुंचता रहेगा। तो गाइज अब मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन इट्स योर फ्रेंड मुंडा टॉप नॉच साइनिंग ऑफ। हैप्पी राइडिंग एंड हैव अ सेफ जर्नी फॉर ट्रैवलिंग गाइज। जय हिंद, जय भारत।